सब्र करना तो हमें इन पंछियों से सीखना चाहिए जो आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। देखो मेरे पीछे, ये चाहते तो कहीं और जाके भी अपना पेट भर सकते थे, लेकिन इन्हें पता है सब्र का फल मीठा होता है। देख रहे हो कितने अच्छे से, कितने प्यार से इंतजार कर रहे हैं। देखो कितने अच्छे से मंडरा रहे हैं। अंकल वैसे तो इनको 6 बजे दाना डाल देते, आज पता नहीं लेट क्यों हो गए। कमाल की बात तो ये है, ये अभी तक इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अफसोस इंसान में इतना सब्र नहीं है। देखो कितने अच्छे और कितने प्यार, कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फाइनली गाइस अंकल आ गए थे और ये दाना डाल रहे हैं उनको। जब अंकल दाना डाल रहे थे तब ये चारों तरफ मंडरा रहे थे ऐसे ही, इधर से उधर इधर से उधर। शायद ये बहुत ही प्यारा रिश्ता है इनका और ये अंकल बहुत ही नेक दिल इंसान है। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप तो बस नेक काम करो और उसका फल अवश्य आपको मिलेगा, क्योंकि जो नेक काम करता है उसे फल मिलता ही है। को भी अल्लाह ऐसे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये तो मौज लुटा रहे हैं क्योंकि इनको इनका सब्र का फल मिल चुका था। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। सारे आ जाएंगे, सारे एक भी नहीं रहेंगे वापस। माना कि ये बोलते नहीं है पर हम तो समझदार है ना, हमें इनको समझना चाहिए और इनका ख्याल रखना चाहिए। तो गाइज हमें इस वीडियो से ये शिक्षा मिलती है कि हमें सब्र करते रहना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल अवश्य मिलता है और जो मिलता है वो बहुत मीठा होता है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, अस्सलाम वालेकुम।